टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसको भी ठीक किए हैं, इसीलिए लेट हुआ है। आप लोग सब भूल जाइए। सब्जी और को मिल के करते रहे जो ने बना है 25 साल का ही लगे। हेलो आवाज सुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। अभी किस चीज का क्लास था? संजीव सर क्लास ले रहे थे क्या? नो सर, अभी कोई क्लास नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये फर्स्ट क्लास है। क्लास नहीं था। यस सर। सब जुट गए हैं? कितना पार्टिसिपेंट हुए हैं? सेवन पार्टिसिपेंट्स हुए हैं आप लोग, जल्दी से जुटो। आज जो है हम लोग ये पैरासिटोलॉजिकल डिजीज के बारे में जो है चर्चा करेंगे। आप लोग पैरासिटोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़े ही होंगे और कुछ पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना जरूरी है। तो इसे ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ द फ्लूक्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस सर। तो ये ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ फ्लूक्स, जो फ्लूक्स वी ऑल नो द अबाउट द फ्लूक्स, जब पैरासिटोलॉजी का बात करते हैं तो पैरासिटोलॉजी जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ट्रीमेटोड, नेमेटोड एंड सिस्टोड्स। ओके, वन ऑफ देम ट्रीमेटोड्स जो है वो बिलोंग्स टू द फ्लूक्स। सो अ ट्रीमेटोड आर द फ्लैट वॉर्म, मोस्ट आर लीफ लाइक इन ए शेप और स्ट्रक्चर्स and have one or two suckers. Okay, so liver flukes are important pathogens of domestic animals, particularly sheep and cattle, and it is also reported in the human beings. In our countries, so more prevalent, widely prevalent in everywhere, mainly flooded area of the Indian states, Indian regions, more prevalent in comparison to the drought area. Okay, because in the flooded area, there the intermediate host like snake is a play important role to transmit the disease. Okay, so flukes complete the life cycles in a two way. One in the snails, and after that release the metasarcaria. Metasarcaria stage is the infective stage.
After that, metacercaria attached to the grasses. ठीक है, वैसे grasses जो flood में water जहाँ logging है वहाँ पे जो है जो grasses है उसमें जो snails जो है metacercaria को release करता है, वो metacercaria जो है attach हो जाता है grass के stem में. Okay? After that जो है वो ग्रासेस को फिर कट करके या एनिमल्स एक्सीडेंटली कंज्यूम कर लिया तो देन मेटासर्केरिया एंटर इन द सेकेंडरी होस्ट लाइक ए कैटल शीप एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स. आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल्स कंप्लीट इन द एनिमल्स एंड आफ्टर दैट मैच्योर स्टेज एक्यूमुलेट इन द लीवर गोलब्लैडर एंड देयर द प्रोड्यूसिंग द लीजन्स सीवियर लीजन्स इन द लीवर एज वेल एज द गोलब्लैडर्स. ओके ठीक है. हेलो हेलो. यस सर. यस सर. ये कोई थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं बताइए जो पूरा जो ये स्क्रीन पे जो है सब फोटो आता है उसको कैसे सेटिंग्स में हम लोग इसको ये करें तो वो ऐसा आ जाए. मैक्सिमाइज कर दीजिए बीच वाले बटन को. कौन सा? वो जो क्रॉस और मिनिमाइज सर स्लाइड में 68% के बगल में जो आइकॉन है ना उसी पे क्लिक कर दीजिए. स्लाइड शो हो जाएगा उसके बगल में जो है ये वाला. हाँ पिक्चर्स जो है सभी का नहीं आ रहा. सभी का जो है पिक्चर्स विजिबल या मेरा तो डिसअपीयर ही है पिक्चर. उसके लिए क्या करना है सर? वो गैलरी व्यू में आता है जब स्क्रीन शेयर नहीं होता है तब. आपको वो दिख रहा है आपका फोटो दिख रहा है या फिर किसी का? उसमें एक शो ग्रिड व्यू है सबसे लास्ट में जिसमें एक साथ आप 9 को देख सकते हैं. लास्ट में कौन सा व्यू है? ग्रिड व्यू. ग्रिड व्यू. No problem. The most important species are Fasciola hepatica. It's also known as a common liver flukes. Okay. And Fasciola gigantica is a large African liver flukes. In comparison to the Fasciola hepatica, Fasciola gigantica is the morphologically bigger in size. Okay. After that, Fasciola magna is a large liver flukes present in the liver, but it has been reported in lungs. So lesions produce in the lungs in case of the Fasciola magna. This is the taxonomy. Classifications of the Fasciola. It belongs to the kingdom Animalia and the class Trematodes. Okay, and family Fasciolidae and genus Fasciola. So it's a very clear cut classifications of the Fasciola. It is also known as a liver flukes. Fasciola species found in the liver and biliary passages of human as well as the ruminants. Okay, ruminants and non-ruminants. Fasciola hepatica, it is also called sheep liver flukes, temperate liver flukes, and common liver flukes. Fasciola gigantica is also known as a giant liver flukes,
ट्रॉपिकल लिवर फ्रूट्स। सो फेसियोलोसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ कैटल इन इंडिया। इन द डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज लाइक अदर बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज वन ऑफ देम पैरासिटिकल डिजीज लाइक द फेसियोला हेपेटिका या फेसियोलोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज of cattle in India, mainly cattles situated in the flooded regions like in our Bihar states, the Kosi regions, jo hai ye ya Kosi ho jaise Khagariya district, Saharsa district, Purnia districts hai na, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ऑल आर सिचुएटेड इन द जो है ये नदी के जो है आसपास जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स है और एवरी ईयर्स जो है वो फ्लडेड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये जो है डिजीज इन जो फ्लडेड टाइम्स में जो बाढ़ के टाइम में जब ग्रास जो है कंज्यूम करता है तो ये जो है डिजीज होता है। इसे छर्रा डिजीज भी इंग्लिश आदि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसे सीवियर प्रोड्यूसिंग द डायरिया, डायरिया इज अ वेरी फॉल स्मेलिंग डायरिया, जो डायरियाटिक फिसिस होगा वो जो है बहुत ही बैड स्मेलिंग करेगा। ठीक है, इसलिए इसको छर्रा बीमारी भी बोलता है, छर्रा इन द लोकल लैंग्वेज। So, Fasciola hepatica in its adult form is found in the liver, bile ducts, gallbladders, in cattle and sheep. However, it may occur in the horse. It is reported in the horse, but it is rarely. Okay? Goat, dog, cat, pig, and wild animals like deer. And even it is reported in the human beings, but accidentally. Okay? If Metasarcaria flooded water consume to the human beings, then human beings may be affected from the fasciola. Mode of transmissions is by ingestions of the Metasarcaria. Metasarcaria is the infected stage found in the edible aquatic plants, जो है डूबा हुआ घास जो होता है, grasses होता है, उसके साथ जो है Metasarcaria attached रहता है। अगर उस grasses को जो aquatic plants को जो है animals consume कर लेता है, तो infected। और by drinking waters with floating Metasarcaria जो है, अगर नदी में पॉन्ड्स में जाके एनिमल्स जो है Metasarcaria इन्फेक्टेड वाटर्स को ड्रिंक कर लेता है तो आफ्टर डेट एनिमल्स इन्फेक्टेड टू द फेसियोला। ठीक है, Metasarcaria जिस इन द ड्यूओडेनम और जियोजनम एंड लिबरेट द juvenile flukes, okay, immature flukes को liberate करता है and juvenile flukes penetrate the intestinal wall and reach to the liver capsules. The parasites swallow in the liver parenchyma where it grow and develops. This is the preferable sites. All the parasites accumulates in the liver parenchyma. There that complete the life cycles and develops in a mature phase
and causing the pathogenesis. It becomes sexually mature in the bile ducts. Okay, it is a slowly जो है ये फिर migrate करता है bile के तरफ and जाके fully mature जो है ये bile ducts में जाके हो जाता है. Then bile ducts को जो है ये करता है passage को bile ducts के जो है पैसेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंड देयर द रेसिस्टेंस टू द डेवलप स्प्लिट द बाइल्स. ओके, तो इन दिस सिचुएशंस देयर द एक्सटेंडेड बाइल्स थिक बाइल्स एंड डेवलप्स द इक्टेरिक कंडीशंस इन द एनिमल्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द बाइल फ्लो. क्लियर? सोनी पे कुछ प्रॉब्लम है? मैं तो किसी का फोटो नहीं देख पा रहा हूँ. दिस इज द फोटोग्राफ्स, पिक्चोरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द ड्राइंग फोटोग्राफ्स ऑफ द फ्लूक्स या जो है फ्लूक्स को जो है हम लोग मैच्योर फ्लूक्स को जब स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देयर द क्लियर कट, देयर द सकर, ओरल सकर्स. ठीक है, दिस इज द गट, जेनिटल पोर्ट, दिस वन वेंट्रल सकर्स, देयर द टू सकर्स, ओरल सकर्स एंड वेंट्रल सकर्स. ओके, इन द पैरासिटोलॉजी डॉक्टर अजीत या डॉक्टर शर्मा सर से चाल को ब्रीफली डिस्क्राइब फॉर द ऑल. एंड देयर द सिचुएटेड इन द ओपिस एंड टेस्टिस. दिस इज द बोथ द मेल एंड फीमेल्स जेनिटल ऑर्गन सिचुएटेड इन द सेम जो है बड़ी कंडीशन. ओके, हिपेटिका इट्स अ एडल्ट वर्म लुक लाइक इट दिस टाइप ऑफ द फोटोग्राफ्स. ओके, दिस इज द लार्ज ब्रॉड फ्लैट बॉडी, दिस इज लीफ सेपेट्स. एंटेरियर इन फॉर्म से प्रोमिनेंट दिस वंस. Also describe this is the photographs on the same slides photographs of the Fasciola gigantica and Fasciola hepatica. This is the if you are also compared to the two species of Fasciola gigantica is a very bigger in size in comparison to the Fasciola hepatica, so it is also जो है लार्जर फेसियो ये फेसियोला फेसियोलोसिस इज द जिजेंटिका इज अ मोर बिगर साइज इन कंपेरिजन टू द हिपेटिका एंड मैग्ना. दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज द स्नेल्स में जो है लाइमेनी स्पेसीज एंड लाइमेनी फिलिप पीएनसिस स्पेसीज ये टू स्पेसीज जो है दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द फेसियोला हिपेटिका स्नेल्स जो फ्लडेड एरिया में जो भी आप लोग जो विलेज से रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे या जहाँ पे आप लोगों का
जो है घर नदी के किनारा होगा, तो देखे होंगे कि जहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद जो है फिर जैसे जैसे पानी जो है फिर कम होने लगता है, तो देखते होंगे कि जो है नदी के किनारे सो मेनी स्मॉल जो है स्नेल्स, जो है जिसको कि हम लोग देहाती लैंग्वेज में, ग्रामीण लैंग्वेज में घोंगा भी बोलते हैं, है ना, वो जो है ढेर सारा छोटा छोटा जो है नदी के किनारे मिलता है। दिस इज द लैमिनिया स्पेसी, आई ऑल्सो शो द फोटोग्राफ मोटा जबका। सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इट इज द जो है एनिमल्स या जो है ह्यूमन बींग्स। This is the photographs of the Laminia species snails. ये जो है आपको that the only scales parts and this is the snails. This is the वो अपना favorable situations में ही आके वो जो है cover से बाहर आता है, then attach to the जो है grasses and consume the feed. Okay. तो इस टाइप का जो है स्नेल्स आप लोग ने देखा ही होगा। अब जो है लीवर फ्लूक्स जैसे फेसियोला हेपेटिका, जितने भी जो है ये फेसियोला हो गया, हेपेटिका जियंटिका एना और जो है लाइक जो ये वार्म है उसका जो है हम लोग फिकल सैंपल्स में जो है इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख के अच्छे से ये कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, इजीली विजिबल टू द माइक्रोस्कोप्स एंड देन यू स्क्रीनिंग इट द हाउ मेनी जो है एग्स प्रेजेंट इन द फिकल सैंपल्स एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन, एज्यूम करते हैं कि जो है कितना उसमें जो है ये पैरासाइट्स का लोड है, ठीक है, ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द एग्स, इज द वेरी बिगर इन साइज ऑफ द एग्स। फेसियोला हेपेटिका जो है ये लार्ज हेंस एग सेपेट जो है इसका स्ट्रक्चर्स होता है, बत्तख के जो है अंडे के समान जो है व्हाइट जो है अपरकुलेटेड होता है, बाइलेस्टेंट कलर का होता है, अनसिगमेंटेड होता है, जो है पैरासिटोलॉजी में आप लोग इसका अच्छा से ये किए होंगे, देखे भी होंगे प्रैक्टिकली। दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ द फेसियोला, ठीक है, ये जो है डायग्रामेटिक जो है हम लोग अब क्या हो गया, ये अनइम्ब्रिनेटेड एग है, आफ्टर दैट इम्ब्रिनेटेड एग इन वाटर्स, आफ्टर दैट रिलीज द ये हैच, हैच करने के बाद पेनिट्रेट टू द स्नेल्स, ये जो स्टेज जो है आते ही स्नेल्स में जो है वो पेनिट्रेट करता है, देन आफ्टर दैट रिलीज द एस्पेरोसिस रेडिया एंड सर्केरिया स्टेज, ठीक है, आफ्टर दैट द फ्री स्विमिंग सर्केरिया insist on water plants, ठीक है, and metasarcaria on water plant ingested by the animals as well as the human beings, after that जो है human beings करेगा तो that the producing the pathogenesis in the ears in like liver, ठीक है, after that human में ये animals में करेगा, then animals में जाके वो इंटेस्टिनल रीजन से जाके पेनिट्रेट करके फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद अपना जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करते करते एडल्ट फॉर्म में जो है ये गॉल ब्लैडर्स के जो है पैसेज में जाके वो पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है।
lesions in the liver can be divided into two parts, those caused by the marginate larva, migrant larva, and then those caused by the adults. Okay. However, the effects of both may occur together and penetrate the liver, parenchyma, hepatic cells destroy as the larva migrate and produce track of ब्लड, ठीक है, वो ट्रैक बना लेता है जिससे वेरी बिगर इन साइज. सो जो है ये जहां जहां से जिस जगह से अपना ये गुजरता है वहां पर प्रोड्यूसिंग द ट्रैकिंग. जब लीवर को खोलेंगे तो बहुत क्लियर कट जो है वो उसका रूट दिखाई देगा, वो पता चल जाएगा कि जो है यहाँ यहाँ से जो है इस रूट से जो है अपना वो ट्रेवल किया है, माइग्रेट किया है, एंड दैट द प्रोड्यूसिंग द फिब्रिन एंड सिल्वर डेब्रिज सीवियर डैमेज करता है लिवर सेल्स को, और फिब्रिन्स का जो है वो डिपोजिशंस करता है ड्यू टू द इरिटेशंस, क्रोनिक इरिटेशंस के कारण जो है वहाँ फिब्रिन्स का डिपोजिशंस भी हो जाता है. Fluids that reach the bile ducts start producing it by the 10th week following oral infections and leading to cholangiohepatitis. Cholangiitis is indicating the inflammations in the bile ducts. Cholangiitis and hepatitis, it is also inflammations in the livers. ठीक है, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द बाइल डक्ट्स गिव रेज टू देम ए पाइप स्टेम लीवर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लीजन्स, पाइप स्टेम्स लीवर जो है ये प्रोड्यूसिंग होता है, और जो है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है पेयर मैच के लिए भी ये जो है कभी कभी क्वेश्चंस जो है दिया जाता है. सो ऑल आर द मेमोराइज एंड नोटेड डाउन. दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ द कॉ दैट आर प्रोड्यूसिंग द बॉटल जॉ कंडीशंस. ओके, दिस इज द दिस इन दिस रीजंस दैट आर द एक्युमुलेशंस ऑफ द फ्लूइड्स. So this is this regions this situation is called a bottle jaw conditions. Okay, because that the hamper the so many liver enzymes, so develop a proteinemia. Okay, deficiency of the proteins. In this situations, deficiency of the proteins that the सेकेंडरी जो है इसका जो रिफ्लेक्शंस है दैट एडिमेटस एक्युमुलेशंस होने लगता है बॉडी में. दिस इज द वन ऑफ द देम, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है बॉडी एडिमेटस जो है ओरिजिन्स का, प्रोटीन्स का डिफिशेंसी भी जो है रीजन्स है उसी के जो है कारण से जो है ये यहाँ पे जो है बॉटल जॉ कंडीशंस होता है, एक्युमुलेशंस ऑफ द पोल्यूट्स इन दिस रीजन्स में. ये ऐसा जो है हम लोग किस में देखे हैं और कौन सा डिजीज में देखे हैं, बट इस सिचुएशंस जो है एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है उसमें भी डेवलप्स होता है. बताएं कोई, इन द केस ऑफ द एचएस हेमरेजिक, क्या हो उसमें भी जो है बॉटल जॉ कंडीशंस डेवलप होता है, बट इन द हाउ कैन डिफ्रेंशिएट इट, it is the bottle jaw conditions of the flukes and it is the upgrade. Okay, agar discontinue ho jayega meeting to fir connect karenge, to lagta hai time ye ho gaya. Theek hai, this is in the case of the hemorrhagic septicemia, there the acute situations. Hello, yes sir. Acha abhi continue ho gaya meeting? No sir, abhi 10 minute hai. 10 मिनट है ना, कोशिश करते हैं.
जो है ये बहुत जो है मिलता जुलता सिचुएशंस होता है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया इट इज अ वेरी एक्यूट कंडीशंस, इट्स अ हाई राइज ऑफ द टेम्परेचर्स एंड गैस्पिंग स्टार्टिंग डेवलप्स एंड दैट इन दिस फेसियोलोसिस देयर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो डायरियटिक जो है वो सिचुएशंस होता है इन द केस ऑफ द हेमरेजिक सेप्टिसेमिया देयर द नो एनी लीजंस जो डायरियटिक लीजंस जो है एब्सेंट रहता है और इतना एक्यूट्स नहीं रहता है एनिमल्स जो है ओनली लेथर्जिक कंडीशंस में रहेगा डिहाइड्रेटेड रहेगा बट इन द केस ऑफ द हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एनिमल्स जो है डिस्कम्फर्ट रहेगा गैस्पिंग करते रहेगा वो सिचुएशंस जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देगा आपको टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा सांस लेने में तकलीफ होगा ठीक है सो ये जो है ये जो दिस इज द क्रोनिक टाइप ऑफ द इन्फेक्शन फेसियोला जो है जो भी है बहुत जल्दी नहीं है हड़बड़ी नहीं है ये अपना धीरे धीरे ही लीजन्स प्रोड्यूस करता है और जाके लास्टली जो है ये एनिमल्स को फेटल कंडीशंस में लाता है एक्सटेंसिव इन्फेक्शंस इंटरफेयर्स विद द लीवर फंक्शंस जैसे कि मैंने बताया हूँ दिस काउच वेट लॉस और फेल्योर ऑफ फेल्योर टू गेन नॉर्मली जैसे बॉडी वेट जो है जैसे करना चाहिए गेन वैसा नहीं होता रेज हिपेटिक सीरम एंजाइम जितना SGOT SGPT जितना भी जो है सीरम एंजाइमेटिक है सब का लेवल जो है जो है इंक्रीजेज रहेगा बढ़ा हुआ हाईली जो है लीवर फंक्शंस जो है डिसऑर्डर्स कंडीशंस में रहेगा और उसका जो एंजाइमेटिक जो है पैरामीटर्स ऑल आर द इंक्रीजेज इन द इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल वैल्यू ठीक है एसनोफीलिया इट इज ऑब्वियसली द पैरासिटिक डिजीज सो द एसनोफीलिया इट इज ऑल्सो इन्फिल्ट्रेट इन दिस रीजन्स ठीक है Hypoproteinemia, it is also described and developed the anemia are common findings in the case of the fasciolosis. This is the photographs of the livers, gross photographs है अगर liver fasciolosis से affected रहेगा cut करेंगे तो looking this is the जो है mature ये आपको fasciola जो है ये दिखाई देगा easily आपको जो है liver after that postmortem then cut the livers जैसे पोस्टमार्टम करते हैं लीवर्स को जो है हर समय कट करके देखते हैं तो उसका ये भी रीजन है कि कई डेट एनी जो है एडल्ट पैरासाइट्स तो नहीं है उन सब देखने के लिए भी जो है लीवर्स को कट करके देखना ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं बुझाएगा बट अब सेक्शंस काटेंगे लीवर्स का तो वो मेच्योर ये जो है पैरासाइट्स आपको दिखाई देगा दिस इज द माइक्रो हिस्टोपैथोलॉजिकल फोटोग्राफ्स ऑफ द लीवर्स जब करेंगे इम्प्रेशंस जो है ये एडल्ट वन का जो है ऐसे दिखाई देगा एंड आफ्टर दैट इन दिस फोटोग्राफ्स दैट आर प्रोड्यूसिंग अ फाइब्रोसिस दिस इज द थिक लेयर्स जो है एक अपीयरेंस वो डेवलप हो जाता है दिस इज इंडिकेटिंग द कैल्सिफिकेशन जोन्स एंड फाइब्रोटिक जोन्स वेरी डायग्नोस्टिक लेवल्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है इट एस्टेब्लिश बाय फाइंडिंग लार्ज परकुलेटेड एग इन द फिशस और एस्पिरेटेड टू ऑफ ड्यूओडेनल फ्लूइड्स तो जब इस ढंग का जो है एनिमल्स जो है इमासेटेड होते जा रहा है सीवियर डायरेटिक कंडीशंस में है तो जो है हम लोग फिकल एग्जामिनेशंस करते हैं सो अगर ओवरलोडेड रहता है अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो इवनली कि आप डायरेक्ट मेथड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिकल एग्जामिनेशंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स है इन डायरेक्ट मेथड्स में क्या है कि जो है थोड़ा सा भी फिकल सैंपल्स को स्लाइड पे लेते हैं उसमें कुछ ड्रॉप वाटर्स लेते हैं उसको जो है स्टिक से मिक्स करके फिर जो है हम लोग जो है कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं जैसे कि हम लोग ने लेबोरेटरी में दिखाया भी अदर हुकवांस अदर जो है हम लोग आप लोग को दिखाए हैं बट अगर ये जो है अफेक्टेड रहेगा फेसियोलोसिस से तो ये बड़ा बड़ा वांस जो है फिकल्स में जो है दिखाई देगा
अगर फिकल्स में नहीं, दूसरा मेथड्स है जो कि इनडायरेक्ट मेथड्स, जिसको सेंट्रीफ्यूज करके फिर जो है उसके ऊपर जो है कवर स्लिप को रख देते हैं, कवर स्लिप में जो है फ्लटेड एग होता है उसमें आके चिपक जाता है, जो लो कंसंट्रेशन में रहता है अगर वार्म लोडेड, तो जो है इनडायरेक्ट मेथड्स में वो आपको एक उसमें आके स्टिक कर जाएगा, देन यू एग्जामिन अंदर का माइक्रोस्कोप। आप जो है कभी कभी जो है फिकल सैंपल से नहीं होता है तो यू एस्पायरेट द ड्यूओडेनल फ्लूइड्स, ठीक है, आफ्टर दैट एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप दैट सो मेनी जो है एग्स देयर फेस्टुला हेपेटिका एग्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द फेस्टुला बस्की, सो इट इज अ वेरी बहुत माइन्यूटली जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर स्पेसीज में, सो यू आर ऑल्सो से दैट दिस इज द एग ऑफ द फेस्टुला। मल्टीपल स्टूल सैंपल्स मे बी रिक्वायर्ड टू फाइंड द ट्रेमेटोड एग्स, एग ऑफ हिपेटिका मे बी पास इनटू द स्टूल फ्लोइंग देयर इंजेक्शंस ऑफ अंडर कुक्ड लीवर ऑफ इंफेक्टेड शीप और कॉ, स्टूल शुड बी एग्जामिन फॉर सेवरल डे आफ्टर इंडिविजुअल्स हैव स्टॉप ईटिंग लीवर टू रूल आउट द, दिस इज द अदर मेथड्स, ठीक है, कहीं पे जो है अगर बिजली नहीं हो रहा है तो उसको जो है साइंटिफिकली जो है एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस ढंग से करते हैं इस मेथड से। आफ्टर दैट देयर द सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडी बाय एलाइजा एंड एंजाइम लिंक इम्यूनो इलेक्ट्रो ट्रांसफरेट ब्लॉट यूजिंग फॉर द फेस्टुला हेपेटिका, ओके, दिस टेस्ट आर यूजफुल व्हेन फ्यू एग्स आर फाउंड इन द स्टूल और व्हेन लार्ज पॉपुलेशन आर टू बी स्क्रीन, थोड़ा सा भी रहेगा द सीरोलॉजिकल टेस्ट इट इज ऑल्सो इंडिकेट द रिपोर्ट टू दैट द प्रेजेंस ऑफ द जो है फेस्टुला इन द एनिमल साइड्स, ओके, एनिमल के बॉडी में जो है अगर रहेगा तो ये टेस्ट तो पता ही देगा आपको, सो दिस इज द वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है, और इसको आपने जो है ये पैथोलॉजी में अच्छे ढंग से पढ़े ही होंगे, ठीक है, अगर पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग ने इसको कोशिश किया ये करने का जो है इसको पैथोलॉजी एज वेल एज द ग्रॉस लीजन्स यू कैन ईजली डायग्नोज एंड आफ्टर दैट थ्रो द ये फिकल एग्जामिनेशन इट इज ऑल्सो ईजली डायग्नोज थ्रो द फेसिलोसिस जो है ये फ्लडेड एरिया में जो है बहुत ही मिलता है जो है इसमें देट द ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ड्रग ऑफ चॉइस फेस्टुला का बताएं आप लोग पढ़े होंगे नो 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 दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये ड्रग है बट ड्रग ऑफ चॉइस इट इज ओनली फॉर द जो है ये जो है फेस्टुला पे एक करेंगे आप देते रहिए जो है एल्बेंडाजोल नॉर्मल डोज जो है आपको काम ही नहीं करेगा उसमें फेस्टुला जो है ये लीवर वार में है ये आपको काम ही नहीं करेगा इसके लिए आपको जो है अगर नहीं है ड्रग जो है तो इसको क्लोरामफेनिकोल क्या इसका नाम है मुझे भी ये स्केप कर जा रहा है इसका बहुत अच्छा जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जो है तो डबल ट्रिपल डोज में जो है अगर आप एल्बेंडाजोल देंगे तब काम करेगा ठीक है ये सब तो आपके आप ये नहीं हुआ है क्या क्लासेस इसका लुक्स का पैरासिटोलॉजी में नहीं हुआ है